वीआरवी और वीआरएस वैक कूलिंग सिस्टम में क्या फर्क है, आपको कौन सा लेना चाहिए, ये काम कैसे करते हैं और कौन से तीन टाइप हैं इसकी, यही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजिन, मेरा नाम है फैसल शाह, देख रहे हैं डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। नाजिन, हवैक कूलिंग सिस्टम के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। इसमें क्या होता है कि एक आउटर यूनिट है, उसके आगे से सप्लाई जा रही है अलग अलग कमरों में, एक ही पीछे आउटर है और जितनी बड़े साइज का आपने लगाया है उस हिसाब से वो आपको कूलिंग अप टू 200 रूम्स भी दे सकता है। यहाँ हम छोटे सिस्टम की बात करते हैं तीन कमरों वाले। तो जनाब, इसके आगे दो टाइप्स हैं हवैक की। पहली है वीआरवी यानी वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। इसका मतलब यह है कि आपके कंप्रेसर से जो गैस आगे जाएगी आपके इंडोर यूनिट में, उसका जो वॉल्यूम है यानी उसकी जो क्वांटिटी है उसको कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा है वीआरएफ, जिसका मतलब है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, यानी कि आपको जब हम एसी चलाएंगे तो आपका जो एसी है वो इतना इंटेलिजेंट होगा कि वो आपके अंदर कमरे का टेम्परेचर देखेगा, उसके बाद में आपकी फैन स्पीड देखेगा और वो आगे सेंसर को भेजेगा सिग्नल जो कि आउटडोर में लगा हुआ है, छत पे या दीवार पे कहीं भी, यूजुअली छत पे होता है, वो फिर उस हिसाब से जितनी आपको कूलिंग चाहिए उस हिसाब से वो आगे रेफ्रिजरेंट का फ्लो भेजेगा, यानी कि कंप्रेसर से गैस को आगे भेजेगा और उतनी ही पावर पे चलेगा और पावर एफिशिएंट होगा, ऐसा क्लेम किया जाता है। जनाब, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें और नॉर्मल एसी में फर्क क्या होता है, इसमें कुछ फर्क है। पहला फर्क इसमें यह है कि नॉर्मल जो सबनेट एसी है, एक आउटडोर यूनिट है, एक कमरे में इंडोर यूनिट है, आपने ऑन किया आउटडोर से इंडोर में काम किया, लेकिन ये हवैक सिस्टम जो होता है इसके अंदर पीछे इंडोर एक होता है, आगे आउटडोर दो तीन चार पांच जितने मर्जी हो सकते हैं और वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, यानी एक कमरे में आपने 28 डिग्री लगाया हुआ है, दूसरे में 30 लगाया हुआ है, एक में 24 लगाया हुआ है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पीछे से पावर लेगा और पावर लेके आपको वो सप्लाई देगा। ये इसका मेन डिफरेंस है। अच्छा जनाब, इसमें तीन मेन टाइप है, दो फेमस हैं और एक जो है इतनी फेमस नहीं है, मैं तीनों आपको बताया। तो पहली टाइप इसकी जनाब कूल ओनली मोड, इसका मतलब ये कि अगर आप ये वाला सिस्टम लेंगे ये जस्ट आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा गर्मियों में, इसमें हीटिंग का सिस्टम नहीं है। दूसरा जनाब है हीट एंड कूल, अगेन नाम बता रहा है कि सर्दियों के अंदर गर्मी देगा, हीट देगा और गर्मियों के अंदर सर्दी देगा यानी कूलिंग देगा। इसका एक तीसरा वेरिएंट भी है जो कि है हीट रिकवरी सिस्टम। हीट रिकवरी सिस्टम में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया पीछे आउटडोर एक लगा है, इंडोर सपोज तीन लगे हुए, अब एक कमरे में एक बंदे को गर्मी लग रही है, उसने इसको चला दिया कूलिंग मोड के ऊपर और उसने कह दिया 24 डिग्री तक ले आए, पर एक बंदे को सर्दी लग रही है तो उसने चला दिया हीट मोड के ऊपर, कह दिया 32 डिग्री तक ले जाए, तो जो तीसरा यूनिट है ना ये इतना पावरफुल है कि ये एक टाइम पे एक कमरे को कूलिंग देगा और एक कमरे को हीटिंग देगा। यह इसका मेन डिफरेंस। आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए, डू योर प्रॉपर रिसर्च। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हवैक की इतनी ज्यादा वाइडली अवेलेबल सर्विसेज नहीं है और बहुत महंगी है, कि आप सप्लिट एयर कंडीशन यूनिट ले लें एक टन डेढ़ टन अकॉर्डिंग टू योर नीड और हर कमरे में एक सेपरेट लगा लें, डेट इज बेटर देन दिस सिस्टम, बट अगेन हर किसी की अपनी चॉइस होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।